नमस्कार, आज की खास खबरों में फिर आपका स्वागत है। शिवनी मालवा में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने भारी संख्या में तहसील कार्यालय में इकट्ठा होकर तहसीलदार नितिन राय को जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी युवक के ऊपर सिगरेट पीकर पेशाब करने की घटना सीधी जिले के कुबरी बाजार में एक मानसिक रूप से विकसित युवक दशमत रावत उम्र लगभग 30 वर्ष पर प्रवेश शुक्ला जो कि बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं नशे की हालत में आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया गया है। कथित तौर में भाजपा विधायक प्रतिनिधि मध्य प्रदेश वितरण पूर्व वितरण कंपनी सीधी द्वारा सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर अमानवीय अक्षम्य और घिनौना कृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिसमें कथित विधायक प्रतिनिधि द्वारा युवक पर सिगरेट पीते हुए पेशाब किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय और अक्षम्य घटना है तथा मानवता पर कलंक है। जयस इस घटना की निंदा करती है। समस्त जयस मध्य प्रदेश के जिला तहसील कार्यकारिणी को निर्देशित करती है कि इस घटना के खिलाफ पुरजोर विरोध दर्ज कराते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही, जिसमें बुलडोजर चलाना भी शामिल हो, ताकि दोबारा ऐसी हरकत कोई ना कर सके, ना ही साथ में पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, 50 लाख मुआवजा भी दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता ने जो एक आदिवासी के ऊपर सामूहिक एक वीडियो बना रहा है, एक बाथरूम कर रहा है, ये कोई ठीक कृत्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि कानून के हिसाब से जो भी सजा हो उसको सजा दिलवाई जाए और उस पर शिवराज जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आदिवासियों के साथ ऐसा होता ही रहेगा क्या? आदिवासी चुप थोड़ी रहेंगे, जाग गए हैं सब। आज सामूहिक संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को और SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को आगे तक पहुँचाएंगे। जी धन्यवाद। ज्ञापन के माध्यम से सर, हमारे कल वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखे हैं, तो हमारे एक आदिवासी न्यूज में भी देखे, तो हमारे आदिवासियों तो भारत के हर राज्य में, मध्य प्रदेश नहीं अन्य राज्य में भी हमारा तो खून खोल उठ गया सर। अब वो क्या बता, हम तो जिंदे कैसे हैं। हमारा तो ऐसी इच्छा हो रही है कि सीधे अभी सीधे जिले पहुँचे पूरे भारत के हर कोने कोने से आदिवासी। और वो मुख्य आरोपी की हमारी मांग है साहब, फांसी की सजा होना चाहिए, हमारे आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। और आज तो मैंने चूनी ब्लॉक से जैस के माध्यम से ज्ञापन दिया हूँ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय की बात हो गई है, कल पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक हर तहसील में जैस के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे भाई के साथ न्याय नहीं होता है अच्छे से, तो हम हर जिले में महा आंदोलन करेंगे। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें DB News में।